हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शिल्पी पब्लिकेशन की इंग्लिश पीजीटी की सॉल्व पेपर विद एक्सप्लेनेशन की जो ये सॉल्व पेपर की बुक है, पतली सी बुक है, ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करने के लिए कुछ हेल्प मिल सके। देखिए, ये शिल्पी पब्लिकेशन की पीजीटी की बुक है। ये आपको टीजीटी की भी मिलती है और पीजीटी की भी मिलती है। आपको जिस चीज की, जिस भी बुक की आपको जरूरत हो, आप वो ले सकते हैं। ऑनलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाती है। इसमें जो सबसे अच्छी और सबसे इसकी जो खास बात है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसे कि इसमें अगर कोई क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चंस के आंसर को विद एक्सप्लेन करके बताया हुआ होता है इसमें, तो ये इसका सबसे बेस्ट मेथड मुझे लगा। और देखिए, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या था, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये सारे जो मटेरियल हैं इसमें शिल्पी पब्लिकेशन में आपको मिल जाएंगे। तो आप कहीं से इसको परचेज कर लें, और जिनके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है तो इसमें सभी मिल जाएंगे, विद आंसर मिलेंगे, प्लस उनके एक्सप्लेनेशन भी आपको बताया हुआ होगा, जिससे कि एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको और भी इसमें जो जानकारी मिलेगी तो उससे आपके और भी कंटेंट प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें एक बहुत अच्छी बात ये भी रहती है कि अगर कोई क्वेश्चन है उसके चार ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन का एक्सप्लेन इसमें बताया हुआ होता है, जिससे आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चंस आपके रेडी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सोचा कि मैं आपको इसका आपको वीडियो बना करके बता दूं, जिससे काफी लोग पूछते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी होगी प्रिपरेशन के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए। तो फिलहाल ये पीजीटी की है, लेकिन टीजीटी की भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर वाई दे मार्केट में ना मिले तो आप ऑनलाइन परचेज कर ले, वहां भी मिल जाएगी। थोड़ा बहुत डिलीवरी चार्ज लगता है, तो कहीं से भी आप ले सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की हेल्प से आप अपने क्वेश्चन, आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। आप जैसे में कंफर्ट हैं, अगर आप इंग्लिश में कंफर्ट हैं तो इंग्लिश में अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर हिंदी है तो आप इंग्लिश को हिंदी में जैसे समझने के लिए है, आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं जिसमें आपको समझने के लिए बेहतर रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर एक्टिव करें जिससे आपके पास सारे वीडियोस की अपडेट पहुंचती रहे।